22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1809 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। राजा राम मोहन राय को 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत में किए गए उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उनके कार्यों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्रूर और बर्बर सती प्रथा को हटाना था।